हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। थंबनेल और टाइटल में आपने देखा ही है आज किसके ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शिक्षक भर्ती जो आपकी दो स्टेट में निकली हुई है, यानी कि कोई भी वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ऐसा वहाँ पर नहीं सिस्टम है कि मतलब इस राज्य के ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी खबर पर कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं, पूरी खबर पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आपको पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी कि आरएमएस आपको पता है कि आपकी सेंट्रल जॉब होती है, यानी कि कोई भी स्टेट में आप किसी भी स्टेट के आप हैं तो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमानेंट पोस्ट होती है, सरकारी जॉब है, सैलरी जो है जिन पोस्टों के लिए निकली हुई है सैलरी वहाँ पे आपको मिनिमम सैलरी दी जाएगी। स्टार्टिंग में 65,000 दी जाएगी, उसके बाद आपकी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहती हैं। इसमें आप सभी राज्यों को मैंने पहले कहा सभी राज्य यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की वो मैं आपको बता दूँ। लास्ट डेट आपकी जो है वो 30 जून है अप्लाई करने की, और एज लिमिट जो आपकी दे रखी है वो 30 ईयर्स है। यानी कि अगर आप 30 ईयर्स के हैं या 30 ईयर्स से कम हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई सीटेट की मान्यता नहीं है। अगर आपका सीटेट पास है या नहीं पास है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आप सिर्फ सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए और आपका बीएड होना कंपलसरी है। यानी कि वहाँ पर बीएड मांगा गया है, अगर आपका बीएड नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो वैकेंसी जो आपकी है वो असिस्टेंट मास्टर की है। असिस्टेंट मास्टर में आपकी दो जगह वैकेंसी निकली हुई है, एक जगह आपकी मैथ की वैकेंसी निकली हुई है, एक जगह आपकी हिंदी की निकली हुई है। अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन आपका है उसके बाद आपने बीएड कर रखा है देन आप मैथ के लिए अप्लाई है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका अगर बीएड है तो आप हिंदी के लिए भी अप्लाई है। इसमें प्रोसीजर मैं बता दूं, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका डेमो होगा। डेमो के आधार पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे और वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद देन आपकी मेरिट तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। तो इतनी जानकारी है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं देन आप जरूर फॉर्म भरिएगा। मैंने बहुत जगह लोगों से सुना है, बहुत जगह मैंने देखा है कि वैकेंसी जब कम होती है तो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर वैकेंसी कम है तो आपको अप्लाई करना है, मात्र 100 रुपये का इसमें डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप वहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा। दो जगह मुझे एग्जैक्ट क्लियर है, लेकिन तीसरी जगह लोग बताते हैं कि निकली है, मैं वहाँ पर गया था, मैंने देखा वहाँ पर मामला नहीं था। ठीक है, तो पहला आपका कर्नाटका स्टेट में निकली हुई है, दूसरा जो है आपका वो राजस्थान स्टेट का निकला हुआ है। ठीक है, तो आप इन दो जगह को देखिएगा। अगर तीसरी जगह पता चलेगी तो मैं कमेंट में उसको पिन कर दूंगा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो उम्मीद करें आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपको जॉब्स रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन जितनी भी आती है सब आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।